हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। आज हम पढ़ेंगे पीसीआर के बारे में। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वर्तमान में आज के टाइम में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, डायग्नोसिस में और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली, या किसी भी बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड में पीसीआर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर इसके जो मॉडिफिकेशंस हैं और जो एक्सटेंशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम किसी भी स्पेसिफिक या टारगेट डीएनए के छोटे से सैंपल की भी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज तैयार कर सकते हैं, या दूसरे भाषा में कहें, आसान भाषा में कहें तो उनकी मल्टीपल आइडेंटिकल फोटो कॉपीज तैयार कर सकते हैं। तो इस पावरफुल टेक्निक का सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 1953 में, जैसा कि हम सब जानते हैं, वाटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रेजेंट किया। उन्होंने बताया कि डीएनए जो है हमारा, उसमें जो हमारा डीएनए है वो दो हेलिकल स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है जो कि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। 1977 में सेंगर ने डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक की यूज़ किया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिनको ओवरकम करते हुए 1983 में कैरीमोलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीसीआर को ईजाद किया था, इसे इन्वेंट किया था। 1983 में कैरीमोलिस ने पीसीआर इन्वेंट किया और 1985 में उन्होंने इसे पेटेंट करवाया। इन दोनों चीज़ों में आप अंतर समझ लीजिएगा कि 1983 में कैरीमोलिस ने उसको इन्वेंट किया और 1985 में उन्होंने पेटेंट करवाया, और 1993 में इसके लिए, पीसीआर के इन्वेंशन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो एक छोटी सी हिस्ट्री थी पीसीआर के बारे में। अब बात करते हैं पीसीआर का जो एक्चुअल रिएक्शन है वो थर्मल साइक्लर में कैसे परफॉर्म होता है, उसके लिए क्या क्या रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर मिक्स के बारे में। मास्टर मिक्स यानी कि कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और दूसरे एलिमेंट्स का एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों को कॉम्बाइंडली मास्टर मिक्स कहा जाता है। तो मास्टर मिक्स में जो सबसे पहली ज़रूरत होती है हमारा डीएनए सैंपल होता है। डीएनए सैंपल चाहे वो माइन्यूट अमाउंट भी हो तो वो भी पीसीआर में एम्पलीफाई किया जा सकता है। तो पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है आपका डीएनए सैंपल जिसको कि हमें एम्पलीफाई करना है। दूसरी चीज़ होती है प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स होते हैं शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं जो कि टैग पॉलीमरेज के साथ एलोंगेशन प्रोसेस में, यानी कि डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स होते हैं शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि टैग पॉलीमरेज के साथ मिलकर डीएनए के एलोंगेशन में या फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन में, उसकी फॉर्मेशन में यूज़फुल होते हैं। थर्ड होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है? टैग पॉलीमरेज ऐसे हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाला एंजाइम होता है जो कि एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस के ही इनिशियल्स को लेकर TAQ, थर्मस और एक्वेटिकस, टैग पॉलीमरेज नाम इसका रखा गया है। इसकी खोज 1967 में हुई थी। DNTPs और बफर्स, तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर मास्टर मिक्स कहा जाता है। किसी भी पीसीआर रिएक्शन में बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग और तीसरा होता है एलोंगेशन। तो इन तीनों स्टेप्स को हम एक एक करके यहाँ पर समझते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम थर्मल साइक्लर में टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर सेट करते हैं और इसे 94-96 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया जाता है। कई बुक्स में, कई रेफरेंसेस में आपको, या फिर कई वीडियोज़ में आपको अलग अलग टेम्परेचर बताया जाता है। एक्चुअली होता यह है कि जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, अलग अलग जो डीएनए सैंपल्स होता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के लिए, उसके हिसाब से टेम्परेचर वेरिएशन रखा जाता है, अलग अलग टेम्परेचर सेट किया जाता है। जैसे कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हायर रखा जाता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीनेचुरेशन के बारे में। तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज होना। आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और इसको थोड़ी सी मेहनत से या फिर थोड़ी सी इसके एनवायरनमेंट में चेंज करके इन बॉन्ड्स को तोड़ा जा सकता है। अब जो आपका हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो दो स्ट्रैंड्स हैं, उन हमें ये चीज़ पता है कि दोनों स्ट्रैंड्स किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर रेज करके इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर को 94-96 के बीच रखा जाता है, टेम्परेचर जैसे ही डीएनए में बढ़ा तो क्या होगा? डीएनए ब्रेकेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हायर टेम्परेचर था उसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि डीनेचुरेशन प्रोसेस हुई तो उसमें जो आपका सिंगल
डीएनए था उससे कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, दोनों स्ट्रैंड जो थे उसके वो अलग अलग हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पीस है, इस सिंगल पीस के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, ब्रेक होने से उसके दो पीस में वो डिवाइड हो गया और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो ये जो पहला प्रोसेस है ये कहलाता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन की प्रोसेस में आपका जो गिवन सैंपल डीएनए है वो दोनों स्ट्रैंड्स में अलग अलग बढ़ जाता है ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट है हमारा एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है जुड़ना। इस स्टेप में हम टेम्परेचर रखते हैं 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन वही बात कि जो सैंपल है आपका वो किस स्पीसीज का है, किस कैटेगरी का है, उस हिसाब से टेम्परेचर वेरी रखा जाता है। अब इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर कम किया तो कम करने के साथ ही जो फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन में दो स्ट्रैंड अलग हुए थे वो टेम्परेचर कम होते ही वापस जुड़ने चाहिए, लेकिन मोस्टली नहीं जुड़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइमर था वो प्राइमर स्पेसिफिक साइट पर स्पेसिफिक सीक्वेंस पर आकर अटैच हो जाता है अपने दोनों तरफ के स्ट्रैंड्स पर। एनिलिंग का मतलब होता है जुड़ना, और यहाँ पर हमारा जो प्राइमर है तो दोनों ही स्ट्रैंड्स में अपनी अपनी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर जाकर जुड़ जाता है। और ये क्या करता है, ये टैग पॉलीमरेज को स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड करता है अटैच होने के लिए। ठीक है, सो जो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी इलॉन्गेशन, उसमें हम देखेंगे कि कैसे टैग पॉलीमरेज अटैच हुआ और उसके बाद उसने डीएनटीपीज की हेल्प से इलॉन्गेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। हर स्टेप है हमारा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब होता है किसी भी चेन का फॉर्म होना या बढ़ना। ये जो प्रोसेस है हमारा ये हम 72-74 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही परफॉर्म करवाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो टैग पोलेज एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एंजाइम इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही बेस्ट वर्क करता है, ऑप्टिमम वर्क करता है। इसीलिए हम बेसिकली इसका टेम्परेचर 72-74 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं। इस थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस थर्ड स्टेप में हमारा जो प्राइमर ऐड हुआ था जैसा कि हमने एनिलिंग के प्रोसेस में देखा था, उसके साथ अब आपका टैगपोल एंजाइम जाकर ऐड होता है और डीएनटीपीज की हेल्प से आपका जो चेन का मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। आपके जो ब्लॉक्स थे, आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस थे, उन सीक्वेंस को लगातार यहाँ पर फॉर्म करते हुए आगे बढ़ता है। 5' to 3' डायरेक्शन में, और आप देख सकते हैं कि जो एक स्ट्रैंड था उससे अब दो स्ट्रैंड बन चुके हैं, यानी कि कंप्लीट आपका जो डीएनए सैंपल है वो तैयार हो चुका है। तो आपका इनिशियली एक डीएनए स्ट्रैंड था, एक से दो हुए, एनिलिंग प्रोसेस में आपका प्राइमर ऐड हुआ और एलॉन्गेशन प्रोसेस में आपका टैगपोल एंजाइम जुड़ने के बाद उसने अपना जो एक कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट किया और आपका जो एक सैंपल था उससे अब दो डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो चुके हैं। इसकी करीब 30 साइकल्स जनरली रन करवाई जाती हैं और लगातार ये प्रोसेस एक के बाद एक के बाद एक रिपीट होती जाती है। और छोटे से या माइन्यूट से अमाउंट ऑफ सैंपल से भी आप लाखों करोड़ों कॉपीज तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीसीआर के एप्लीकेशंस के बारे में और उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक इनिशियल मॉडल था जो कि कैलिमोरिस ने प्रपोज किया था। इसके बाद पीसीआर में कितने मॉडल्स होते हैं, क्या क्या इसके मॉडिफिकेशंस हैं, उनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। अच्छा, ये तो बात थी पीसीआर रिएक्शन के बारे में। अब पीसीआर जिस इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म किया जाता है उसे हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। पीसीआर किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है, पीसीआर एक रिएक्शन का नाम है जो कि परफॉर्म की जाती है थर्मल साइक्लर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट में, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इन सभी चीज़ों की, एक हमारा थर्मल साइक्लर, एप्लीकेशंस और इसके जो मॉडिफिकेशंस हैं, इन सब के लिए हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।